आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं इफ फॉर्मूले के बारे में। इफ फॉर्मूला में हम बात करेंगे एंड और के बारे में। जैसे यहां पे मैंने दे दिया अपना सेल्स, सेल्स में हमने कुछ फिगर दे देता हूं। अब मुझे क्या करना है, इस पे लगाना है कि इसमें जितने भी सेल्स हैं अगर सबके रिजल्ट अगर 80 to 50 के बीच में है तो उसका 50 to 80 के बीच में है तो 800 का इंसेंटिव, अदरवाइज 100 का इंसेंटिव है। तो मैं यहां दूंगा कंडीशन इफ का कि इफ से पहले लगाऊंगा फोर, तो जो कल मैंने फोर बताया था कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट रो एंड नेक्स्ट ओके नेक्स्ट आई। अब यहां पे मैं दे रहा हूं कंडीशन कि इफ रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन। अब यहां पे दिक्कत हुआ कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो हमने यहां पे लास्ट टाइम बताया था वेरिएबल, और जब भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे, डिम आर एज ए स्ट्रिंग लॉन्ग। फोर की बात करेंगे, फोर के अंदर में कभी भी किसी भी कंडीशन में आप वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि फोर के अंदर में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं एस यहां पे आर इक्वल टू और ए जो है ए वाली जो है टॉपिक इसको रख देते हैं, ये रेंज डॉट वैल्यू कट कर। ओके अब यहां पे लिखते हैं कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहां पे हमने किया एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 80, दैट हमने यहां पे किए रेंज बी के साथ एंड किया आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 800, और फिर हमने यहाँ एल्स किए अपनी इस को वापस कॉपी में पेस्ट करता हूँ 800 की जगह पे 100 और यहाँ पे एंड एल। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखेंगे, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है। टू से करना है, टू से आ गया। अब अगली क्वेश्चंस में थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इस बार चार कंडीशन दे रहा हूं, मेरे पास सब्जेक्ट्स है, क्या है सब्जेक्ट्स है, और मुझे इसके अंदर रिजल्ट शो करना है, और मैं थोड़ा सा पांच बंदों का दे देता हूं। अब मुझे यहाँ एफ पे रिजल्ट देना है। क्वेश्चन क्या है कि सारे सब्जेक्ट में अगर 30 से ऊपर है, 30 या 30 से ऊपर है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और ए 1 के जगह पे 2 हो जाएगा और ये भी सही है। अब यहाँ हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, तो इसमें हमें एंड लगाना। और यहाँ पे वेरिएबल ले देते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एज ए लॉग। और फिर यहाँ पे हम करते हैं S1 एज ए के साथ यहाँ करेंगे बी करेंगे और इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट पेस्ट सॉरी
इंटरप्रेस किया एंड पेज, इंटरप्रेस किया पेज, चार सब्जेक्ट है, चार किया, अब यहाँ पे हो जाएगा एस टू, यहाँ पे हो जाएगा एस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा एस फोर, मतलब सब्जेक्ट फोर, और पी के जगह पे यहाँ कर देता हूँ सी, यहाँ कर देता हूँ डी, यहाँ कर देता हूँ, तीन ही सब्जेक्ट है ना हमारा, चार सब्जेक्ट करना है ना, सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा जाएगा ई, और यहाँ पे हम देंगे अब कंडीशंस। तो कंडीशन होगा कि सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन देन, माफ कीजिएगा यहाँ गलती कर दिया, देन नहीं होगा, और यहाँ पे ए एन डी एंड, फिर हमने यहाँ पे दिया सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगेन एंड सब्जेक्ट फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन। अब यहां पे बी के साथ हमारा आई, बी के जगह पे हो जाएगा हमारा एफ, एफ के साथ आई करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी पास, सारे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा पास, अदरवाइज यहाँ भी हम एफ करते हैं, यहाँ कर देते हैं फेल, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन एंड के साथ यूज कर सकते हैं। रन कीजिए, यहाँ आपको पास और फेल दिख गया। सर अभी जैसे अभी आपने चार कंडीशन लगाई कि चारों में ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए करके, अगर इसको हम लोग नॉर्मली एक्सेल में कर रहे होते तो हम बोलते थे कि चारों में से किसी की मिनिमम वैल्यू अगर 30 से कम है तो ये फेल है, तो उसमें चार बार हम लोग नॉर्मली एक्सेल करें चार बार एंड में जाएंगे, इसमें खाली एक मिनिमम कंडीशन है। हां मैं वही आपको बता रहा हूं कि अभी आपने देख लिया कंडीशन, लेकिन हम आपको कंसेप्ट बताएं, अभी आपके पास एक होगा तब 30 है ना, मान लीजिए कि कोई 50 नंबर का पेपर है, कोई 70 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, दैट टाइम सबका अलग अलग कंडीशन होगा ना, तो वहां तो एक बार में यहाँ काउंट ही नहीं लगा दीजिएगा सर, वहां नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा यहाँ काउंट ही लगा सकते हैं पूरी रेंज की मीन लेने करके। हाँ तो उसके लिए फिर मुझे डबल लूप लगाना पड़ेगा, और लूप की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना, वो क्या करेगा ना कि एक बार ऐसे चलेगा और यहाँ चेक करेगा कोई 30 से नीचे तो नहीं है, 30 से नीचे होगा तो काउंट रख लेगा जी, समझ गए, या फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला जो आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा रहे हो यहाँ भी लगाया जा सकता है, काउंटी फॉर्मूला आपको दिमाग में आ रहा है ना सर, मीन का फंक्शन दिमाग में आ रहा है सर, तो आप कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑप्शन फंक्शन डाल के मीन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मीन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। जी तो एक्सेल भी यूज होता है यहाँ भी हो सकता है ना, जी समझा, तो उसके लिए अपने को एप्लीकेशन ऑप्शन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़े। जी सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे कि अगर मुझे पास मान लीजिए कि अभी क्या है कि एंड कब लगता है, मल्टीपल रिजल्ट मल्टीपल कंडीशन भी सिंगल लगे, अगर हमारे पास अलग अलग कंडीशन हो ठीक है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग, अलग कंडीशन पर अलग रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ एल्स में देना चाहता हूँ कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, आप समझ रहे, तब मैं इफ नहीं लगा पाऊंगा ना, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में चलिए हम आपको बताते हैं, तो उस केस में मैंने यहाँ पे ए एम थ्री कर देता हूँ और फिर ए इफ नहीं लगेगा, देन यहां मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा कि टिम आर एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पास और फेल इसमें डालना है, ठीक है, और यहां पे कंडीशन देता हूं कि इफ अगर एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू
थर्टी बैन, बैन में अब जो है मेरा यहाँ पे एल्स आएगा, एल्स, और इसमें हम लिखेंगे कि आर इक्वल टू सब्जेक्ट वन फेल और यहाँ पे एंड है, समझ गया सर। फिर इसके अंदर हम देंगे कंडीशन दूसरा इफ का, इफ एस इज, एस टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थर्टी दैन, अब यहां भी हम ट्रू ट्रू नहीं डालेंगे, यहां एल्स देंगे, एल्स एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल, और फिर यहां पे हमने एंड इफ डाल दिया। अब इसका ट्रू पार्ट खाली था, इसके ट्रू पार्ट में हम तीसरा इफ डालेंगे, इफ सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी दैन, then यहां पे हमने कर दिया, यहां पे खाली करूंगा और else else में डालूंगा r equal to subject थ्री fail और यहां पे, और फिर इसके अंदर में मैं डालूंगा चौथा if s फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टी थर्टी देन देन आर इक्वल टू पास, पास करने की जो पॉसिबिलिटी एक ही बार है ना, लेकिन फेल तो कई बार हो सकता है ना, आर इक्वल टू एफ सब्जेक्ट फोर फेल और एंड, जितना एंड लगेगा उतना एंड लिखे, इसको हम बोलते हैं आपको एंड इफ, इसको मल्टीपल इफ बोलते हैं। आपने देखा कि एक ए इफ है, इस इफ के अंदर में पूरा कंडीशन है, ठीक है, फिर इस इफ के अंदर में ए पूरा कंडीशन है, फिर इस इफ के अंदर में पूरा है, तो पहले चेक करेगा सब्जेक्ट वन को, अगर ए थर्टी से ऊपर है तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे इस एल्स को फॉरवर्ड कर देगा और ये सारी चीजों को इग्नोर करेगा, चेक ही नहीं करेगा। फिर अगर सब्जेक्ट थ्री पास हुआ, वन पास हुआ तो सब्जेक्ट टू में जाएगा, अगर सब्जेक्ट टू को चेक करेगा, सब्जेक्ट टू अगर पास है तो फिर वो सब्जेक्ट थ्री को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो एल्स दे देगा और इस थर्ड एंड फोर्थ इफ को स्किप कर देगा, और यही प्रोसीजर इसके अंदर 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 चलती रहेगी। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, और लास्ट में हम अपना रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे आर, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कोई दो सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बेसिकली मैंने यहाँ कोड कहीं भी नहीं डाला हुआ है कि दो सब्जेक्ट फेल होगा तो उसको आइडेंटिफाई करके दोनों सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी आपकी चीजें चेंज होती है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होगा, तब आपको दूसरे तरीके से लेना होगा जो कि एक एक कंडीशन को चेक करेगा, अलग अलग इफ लगाना होगा, क्या लगाना होगा, अलग अलग इफ लगाना होगा, और अलग अलग इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट वन को चेक करेगा, अगर पास है तो आर पे जाए, सब्जेक्ट टू करेगा सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर, तो पास और फेल के लिए अलग अलग बनेगा, अगर किसी में फेल हुआ तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है सर, तो वो चीजें अलग है जो कि हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, फिलहाल आप इसी को फॉरवर्ड करें, ओके, ठीक है सर, तो इसकी रिकॉर्डिंग